क्या पढ़ाएंगे टेंशन। चलिए ये बिठा रहे हैं क्योंकि ये तो हम बताना चाहें ट्रिगो इनवर्स में, हम यही बताना चाहें ट्रिगो इनवर्स में जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन पहला एक्सरसाइज 2.1 था जिसमें डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू का बात करेगा। लास्ट क्लास प्रिंसिपल वैल्यू बताए थे, जिनको नहीं पता है उनको देखेंगे समझ में आएगा। आज हम बताने जा रहे हैं सेकेंड लेसन जिसमें हम फार्मूला नंबर फर्स्ट क्या होता है समझिएगा। जो हम ट्रिगो इनवर्स पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहला फार्मूला है साइन इनवर्स। हम यही फॉर्मूला पहले बात कर रहे हैं x = x, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। कुछ लोग बोलेगा ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला का मतलब क्या है, हम बताएंगे cos इनवर्स cos x ये भी आपको x देगा। फिर नंबर थर्ड tan इनवर्स tan x इसका भी वैल्यू x देगा। पर याद रखना है ये जो साइन के केस में x है, ये x जो वैल्यू है वो वैल्यू एंगल है। और जो हम अभी इनवर्स पढ़ रहे हैं ध्यान दीजिएगा, अगर ये एंगल है तो साइन इनवर्स का एंगल होता था -90 से +90, ये -90 से +90 होता था। साइन इनवर्स साइन एक्स इसका जो एक्स है वो वैल्यू नहीं है एंगल है, और साइन में जो एंगल था इनवर्स के केस में वो -90 से +90। कॉस इनवर्स कॉस एक्स वो भी x देता है, और ये x बिलोंग्स करेगा 0 से 5। जो पहले टेबल पढ़े थे उसी टेबल को हल्का हल्का पढ़ाते जाना है। नंबर थर्ड y बराबर tan इनवर्स x है, y बराबर जो tan इनवर्स x है, y बराबर जो tan इनवर्स x है इसमें याद करो ऑल रियल नंबर होता था, वो वैल्यू होता है। हम यहाँ एंगल का बात करें, यहाँ एंगल में सोच के बताओ क्या था, x बिलोंग्स करेगा -90 ओपन इंटरवल है, +90 मतलब जो भी है 90 और -90 के बीच में होगा। इसी को बुक में ऐसे भी लिखता है, ब्रैकेट ऐसा भी ओपन ही कहलाता है, -90 से +90। जो हम केवल में उस समय रेंज के लिए पढ़ रहे थे वही चीज यहाँ पर। नंबर फोर फॉर्मूला आज इसी पे बात करेंगे, इसी पे क्वेश्चन देंगे और कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इस बात नहीं करेंगे। cot इनवर्स cot x ये हमारा है, ये भी हमारा x देगा, और ये जो x है वो बिलोंग्स करेगा याद करो 0 से 5। जो वो टेबल था जल्दी से इसको लिख लेंगे, sec इनवर्स sec x, ये x एंगल है 10 बार गाल है x, और ये x बिलोंग्स करेगा 0 से पाई, और कौन सा वैल्यू नहीं होगा, π/2 नहीं। अब इसके बाद नंबर 6 cosec इनवर्स cosec x, ये हमारा x देगा और x बिलोंग करेगा -π/2 से π/2, और ये जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकता। ये जल्दी से लिखो, जल्दी से इसलिए लिखो कि अभी हमें क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन समझाएंगे। ये फार्मूला नंबर मेरे फार्मूला नंबर फर्स्ट है, ये आप जहाँ देखो साइन इनवर्स साइन x x लिख सकते हो, cos इनवर्स cos x x लिख सकते हो, पर x का जो वैल्यू है जो भी चीज है वो इसके बीच में ही होना चाहिए। अगर इसके बीच में नहीं है तो नहीं लिख सकते। उसको लिखने के लिए क्या करना है, कैसे करना है हम समझाएंगे, दिमाग पे जोर नहीं देंगे। लगभग लगभग 2-3 लोग गायब हो गए हैं, इसी कारण बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट क्लास है, बिल्कुल गायब मत होइए। किसी का नेट खत्म हो गया होगा, पबजी खेल रहे होंगे, और आधा लोग का मैसेज आ गया होगा जल्दी घूमने निकलो मिलना है, निकल गया होगा। आशिक लोग का कमी है नहीं, 3 गो आशिक गायब है, गायब नहीं होना है। कुछ लोग नेट पे गायब हो जाते हैं, कुछ पे गायब हो जाते हैं, गायब नहीं होना है। स्टार्ट करने जा रहे हैं, जल्दी से लिख लीजिए तो हम आगे स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग का मैसेज भी आ रहा है कि भैया भूख लग गया, तो भूख लगा तो हम क्या करें भाई, पार्टी देंगे देंगे पार्टी देंगे पार्टी, लोड नहीं लेना है, सबको पार्टी देंगे लॉकडाउन के बाद, समोसा पार्टी होगा और कुछ नहीं, बहुत महंगा है ये। हम ये मिटा रहे हैं एकदम बिना टेंशन के, ये हम मिटाने जा रहे हैं। स्क्रीन शॉट भी ले सकते थे, जिसको जो मन है वो ले सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 4π/3। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिए,
जल्दी से जितने लोग ज्वाइन हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है स्पीड पढ़ाने का, कोई जरूरत नहीं है गिर उतना आगे बढ़ने का। हम पढ़ सकते थे लेकिन हमको नहीं पढ़ना है, हमको बस आपको समझाना है साइन इनवर्स साइन 4π/3 ये जो है इसका आंसर क्या देगा। गलत है विशाखा, गलत है विशाखा, सोचो का है गलत है, बिल्कुल गलत है, ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है। चलिए एक हम बताते हैं फिर आप लोग बनाइएगा, ठीक है, एक हम बताते हैं, एक हम बता देते हैं फिर आप बनाइएगा। हमको जो ये टेबल थोड़ा देर पहले ये जो फॉर्मूला प्रूफ फॉर्मूला करने का जरूरत है कर भी सकते हैं, कोई तो प्रॉब्लम नहीं। यहाँ ध्यान दे, हम बताना चाह रहे हैं साइन इनवर्स साइन 4π/3 नॉट इक्वल टू 4π/3, ये 4π/3 नहीं होगा क्योंकि ये नहीं बिलोंग्स कर रहा है -90 और +90, मतलब हमारा जो अंदर का एंगल है, हमारा जो एंगल है वो -90 से +90 होना चाहिए। अगर हमारा एंगल -90 से +90 नहीं है तो वो बाहर में नहीं निकल सकता है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात को आगे समझते हैं। साइन इनवर्स साइन याद होगा 4π/3 को जब एलिमेंट में हम पढ़ाए थे तो बताए थे पाई बाई थ्री को अलग कर लेना है, जिनको बताए थे थ्री का टेबल पढ़ो कि 4 आ जाए तो आएगा तो नहीं लेकिन कम से कम करीब पहुंचो तो एक बार सिंपल पाई लिखो, ये बात बताए थे। अब बीच में प्लस होगा क्योंकि 4 लाना है, देखो एलसीएम लिखो। अब इसके अगला स्टेप में साइन इनवर्स साइन पाई प्लस थीटा, जिनको जिनको पता है साइन पाई प्लस थीटा, नहीं पता है तो कुछ नहीं किया जा सकता, मर जाओ गर जाओ, हो सके नाली में घुस जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये थीटा के जगह पे पाई बाई थ्री एलिमेंट का बात था। अब तुम बोलोगे भैया आप पिछला क्लास में बात किए थे साइन के केस में, कॉस के केस में, तो कॉसेक के केस में और टैन के केस में अगर बाहर माइनस हो तो उस माइनस को अंदर ले जाने के लिए डायरेक्ट ले जाना है अंदर में, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमको उसका नेगेटिव एंगल चाहिए था टैन माइनस। तब यहाँ पर ये जो बाहर माइनस है इसी माइनस को आप चाहते हो तो साइन साइन जाना ही पड़ेगा, -π/3 लिख सकते हो। ये जो तुम लिखा बाहर साइन इनवर्स अंदर साइन है और ये जो है एक्स है, यही चीज था, और अब जो x है ये जो -π/3 है ये आंसर होगा क्योंकि ये -90 और +90 के बीच में है। कुछ लोग +90 और -90 नहीं समझ रहा, देख रहे हैं -90° और +90°, इसके बीच का मतलब बीच में 0 होता है, 30 होता है, 60 होता है, 0 -30 -60 -π/3 -60°, कहीं ना कहीं तो इसी के बीच में होगा। तो ये आंसर हमारा दिया -π/3। हम एक बार समझाएं, हम क्या समझाएं, ये ट्रिक समझाएं, ये ट्रिक पिछला क्लास में समझाए थे, ये ट्रिक यही समझाए थे तीन केस में साइन कॉसेक और टैन अगर बाहर माइनस हो उस माइनस को डायरेक्ट अंदर ले जाएंगे, तो साइन के बाहर में माइनस है वो अंदर जाएगा तो साइन माइनस थीटा, कॉसेक के बाहर में माइनस है अगर वो अंदर जाएगा तो कॉसेक माइनस थीटा, और टैन के बाहर में अगर माइनस है अगर वो अंदर जाएगा तो टैन माइनस थीटा होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन था ये साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स देता है, ये फॉर्मूला था, एक्स देता है, सही बात है एक्स देता है, पर एक्स का मतलब होता है जो -90 और +90 के बीच में। तब जब सवाल में आए, सवाल में जहां पर एंगल था वह एंगल 4π/3 है, मतलब 180 से भी ज्यादा है, वो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमको साइन इनवर्स का रेंज पता है जो एंगल का वैल्यू होता था -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। तब इसको आगे बढ़ाएंगे, बाहर में साइन अंदर में साइन, और ये 4π/3 को π+π/3 कैसे लिखेंगे ये हम लोग जानते थे, कुछ लोग गायब होते जा रहे हैं एक दो जन, यही दिक्कत है, जो गायब हुए हैं उनको पकड़ेंगे, रुको, ठीक है बहुत अच्छा। -π/3 होगा ये, -π/3 ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन देंगे, ध्यान देना है, समझ में आया होगा बहुत लोग को, नहीं आया है तो फिर आएगा। क्वेश्चन दे रहे हैं, तुरंत दे रहे हैं, cos इनवर्स cos 4π/3, cos इनवर्स cos 4π/3, जल्दी जल्दी कीजिए।
जल्दी 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 फास्ट 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 सर्विस फास्ट होना चाहिए। क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, जो ट्रिक लिखवा रहे हैं जरूर लिखिए। बीपीयूपी का मैसेज नहीं आया अभी तक, कहाँ है ये लोग, सारिका सब कहाँ है, खोजना पड़ेगा, हमें खोजना पड़ेगा। एक बच्चा रोल नंबर 39 आंसर भेजा है, आंसर सही भी हो सकता है, ऐसा ही है, अरे गलत है। हाँ रोल नंबर 17 सही है, रोल नंबर 9 सही है, देख नहीं रहा इस सही नहीं, ऊपर से दिख जाता है, टेंशन नहीं लेना है। रोल नंबर 39 गलत हो गया, एकदम सही है रोल नंबर 9। अरे कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा समझाएंगे सब समझ में आ जाएगा। रोल नंबर गर्ल्स में 51 गलत हो गया, छोटी गलत हो गया, गलत हो गया। लास्ट क्लास बताए थे कॉस में अगर बाहर माइनस है, कॉस में अगर बाहर माइनस है उसको अंदर ले जाने के लिए कॉस पाई माइनस थीटा लगाते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा लगाते हैं। लिखने का तरीका गलत है निशान, वैसे नहीं लिखना है निशान, एकदम तरीका से लिखना है, बिल्कुल तरीका से लिखना है। आइए हम लोग फिर से, कहानी वही है, ये नहीं होगा 4π/3 क्योंकि ये वैल्यू 0 और π के बीच में नहीं है, 0 और π के बीच में नहीं है, इस कारण ये आंसर नहीं होगा। ये आंसर नहीं होगा तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे देखेंगे। ये आंसर नहीं होगा तो कॉस इनवर्स लिखेंगे, कॉस लिखेंगे और इसको पाई प्लस पाई बाई थ्री लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता था कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता, तो कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा के जगह पे पाई बाई थ्री आ जाएगा। ये जो बाहर माइनस है इन केस में, कॉस के केस में, सेक के केस में और कॉट के केस में, अगर बाहर माइनस है उसको अंदर ले जाना है तो उसको कॉस पाई माइनस थीटा लिखिएगा, सेक पाई माइनस थीटा लिखिएगा और कॉट पाई माइनस थीटा लिखिएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये लिखना ही लिखना है, नहीं लिखिएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आता है तो हम दिखाते हैं अगला स्टेप में। कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस, कुछ लोग बोलेगा ये सब कहाँ से आता है, एलिमेंट का त्रिभुज है रे बाबा, मर जा पाई माइनस पाई बाई थ्री, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लिखा जा सकता है। तब कॉस इनवर्स का रेंज 0 से π होता है, मतलब एंगल नेगेटिव साइड जाएगा ही नहीं और 0 से π के बीच में रहेगा, इसलिए उसी चीज को पाई माइनस पाई बाई थ्री लिखे हैं, जबकि ऊपर पाई प्लस पाई बाई थ्री था, वही चीज ज्यादा था, उसको कम कर लिए। तो अगला स्टेप में कॉस इनवर्स ये cos 2π/3, तो हमारा जो आंसर है वो आंसर देगा 2π/3। ये जो हमारा आंसर है, सुन ले बाबा सुन सुन सुन, ये जो हमारा आंसर है 2π/3, 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री हमारा जो वैल्यू है वो 0 से π के बीच में ही होता है और cos का यही आंसर होता था। और आपको अब समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं आया है लोड नहीं लेगा, मरना नहीं है, एकदम देखते हैं सही है 2π/3 बिल्कुल सही है, मयंक बनाया वेरी गुड सही है, मयंक बात को समझ रहा है एकदम सही है, बस तरीका समझो। देखो तुम लोग भी बनाया, तुम लोग भाई बनाया, गलत कोई नहीं बनाया। पाई माइनस एकदम सही है, रोल नंबर 55 सही है, 40। चलो इतना जब बना लिया तो एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कौन बनाता है। मेरे पास 5 मिनट से 7 मिनट है, ज्यादा मिनट नहीं है, क्वेश्चन देते हैं कौन बनाता है, देखना तो जरूरी है। साइन इनवर्स साइन आज तुम लोग अटेंड हो रहा है, देखते हैं देखते हैं, एक क्वेश्चन गायब होता है आता है, नेटवर्क प्रॉब्लम, जल्दी से जल्दी से, बिल्कुल लेट नहीं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप अगर 2 मिनट में नहीं बनाए तो 2 मिनट के बाद हम बनाने लगेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है भाई, टाइम नहीं है, ताकि नेक्स्ट क्लास मेरा 11 का टाइमिंग से स्टार्ट हो जाएगा 2:50 से, तुम लोग का 1:45 से रिक्वेस्ट है, 1:45 स्टार्ट करो, हम 2:45 में खत्म करेंगे, तुमको ज्यादा पढ़ाने से ज्यादा लोभ होता है। और सुनिएगा, फिर एक दिन गायब हो गए, जिसको जिसको पेमेंट करना है अब तो करना ही होगा, नहीं करिएगा तो कैसे चलेगा मेरा जीवन,
जिसको जिसको पेमेंट करना है मेरे नंबर पे भी पेमेंट कर सकते हैं, दिक्कत है तो शशि भैया में कर सकते हैं, कोई नॉट डिफाइंड नहीं आंसर होगा। रे बाबा आंसर होगा, आंसर होगा रोल नंबर 17। कोई रो नॉट डिफाइंड कैसे होगा, होगा आंसर। ठीक है वेट कर रहे, कोई एक बच्चा तो बनाए, देखो एक बच्चा बना के दिया, चार लिख दिया। अरे गोबा चार का मतलब चार डिग्री नहीं है, चार रेडियन है। सुन रे पाई बाई टू, जिसको नहीं पता है सुन, पाई बाई टू का मतलब 22/7 होता है इंटू टू होता है, मतलब 90 डिग्री जो होता है अगर रेडियन में बात किया जाए 11/7 होता है। 11/7 मतलब 1. कुछ कुछ, ये 1. कुछ कुछ से ज्यादा है, कम है रे। चार 1. कुछ कुछ से जिसका डिस्कनेक्ट हो गया लोड दे लेगा, हम है जिंदा। हम समझाना चाह रहे हैं 4 डिग्री नहीं लिखे हैं कि पार 4 लिख दिए, ये इक्वल टू 4 नहीं हो सकता क्योंकि ये नहीं बिलोंग्स कर रहा है -90 और +90 के बीच। पाई बाई टू का मतलब होता है 11/7, 11/7 पाई बाई टू का मतलब होता है 11/7, ये रेडियन है और ये डिग्री है। तो एक काम करेंगे हम लोग तुम्हारे इजी होने के लिए, किसी चीज को जानबूझ के पाई के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि 4 से पता नहीं चल रहा है कि 5/2 से कितना ज्यादा है। आइए समझिएगा, नहीं समझिएगा तो मर जाइएगा। 22/7 = π, ये आपको हम समझा रहे हैं ट्रिक। तो 1 = 7π/22, तो 4 = 7π/22 × 4, मतलब इसी चीज को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स, साइन 4 के जगह पे आप लिख सकते हैं 28, मतलब काटिए दो तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 14π/11। यहाँ 14π/11, ये सब अपना कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब बहुत छोटा छोटा ट्रिक है जो कहीं मिलेगा नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलने का एक ही कारण है इतना बिजली कोई नहीं समझ पाएगा। ये 14π/11 साफ दिखता है कि पाई से ज्यादा है। थोड़ा देर पहले बताए थे कि आप कुछ मत करना, इसको अलग कर लेना रे, पाई बाई 11 को अलग कर लेना, 11 का टेबल पर, 11 का टेबल एक बार पड़ेगा तो पाई बीच में प्लस देगा। कुछ लोग बोलेगा अरे भैया 11 पाई और पाई 12 पाई होता है भैया, यहाँ 14 है तो गोबर है रे, 11 में 3 जो देते 14 होगा, ये बात लिख सकता है, नहीं लिख सकता है तो बोल नहीं लिख सकते। पाई प्लस 3π/11 लिख सकते हैं, जो साइन इनवर्स साइन थीटा, पाई प्लस थीटा साइन थीटा होगा, पर उस थीटा में बाहर में माइनस होगा। किसी को लोड नहीं लेना है, घर जाके चेंज कर लेना 3π/11 को डिग्री में इंटू 180π, काट के देखना जो भी एंगल होगा -90 और 90 के बीच में होगा। यहाँ से ये माइनस को डायरेक्ट अंदर भेजेंगे, हम समझाए थे साइन का माइनस में हो सकता है तो ये जाएगा, तो आंसर होगा -3π/11। यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर कहाँ से कहाँ -90 से +90। फिर एक बार समझाते हैं, टाइम देख लेते हैं, एक बार टाइम मेरे पास नहीं है फिर भी समझाते हैं, ठीक है।